व्यूवर्स, DH3 इस्लामाबाद को एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि उसकी जो लोकेशन है वो तख्तपरी विलेज के बिल्कुल साथ है। तख्तपरी विलेज की तकरीबन जो हिस्ट्री है वो 300 साल पुरानी है और ये बहुत बड़ा हैवीली, यहाँ पे आप देखेंगे कि जहाँ पे जो प्लांटेशन है वो आपको नज़र आती है। तो DH3 की जो बाउंड्री वॉल है बिल्कुल तख्तपरी विलेज के साथ बिल्कुल अटैच है। और यहाँ पर आपने देखा होगा 27 जुलाई 2024 को यहाँ पे हमें प्लांटेशन की जो कंपेन थी, इसमें हमारे पास 3 इदारे इन्वॉल्व थे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, DHA एंड PNP प्लांट फॉर पाकिस्तान में। तो बहुत बड़ा तकरीबन यहाँ पे 2 लाख जो है प्लांट यहाँ पे लगे थे और तकरीबन इसमें 4,500 इंडिविजुअल लोग थे, उसमें उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो तख्तपरी विलेज की वजह से DH3 का अगर आप बात करूँ एटमोसफियर की, ऑक्सीजन लेवल की, जो सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर हाई मिलती है। एक साइड पर आपको मिलती हैं खूबसूरत लेक्स मिलते हैं जो कि सेक्टर F में लोकेटेड है, ऑलरेडी आप देख चुके हैं हमारी फोटेजेस में। और अभी तख्तपरी विलेज की जो यहाँ पे इसकी ऑक्सीजन का बात करूँ तो वह यहाँ पे आपको जो लिविबिलिटी एटमॉस्फेयर है वो बाकी फेज से बहुत बेहतर आपको देखने को फील होता है। तो DH3 की जो मैनेजमेंट है उसने बहुत अच्छी इसमें यहाँ पे पार्टिसिपेशन की, बहुत अच्छी यहाँ पे अरेंजमेंट की। और हम देखेंगे इंशाल्लाह इस मानसून के बारिश में जब हम नेक्स्ट सीजन में आएंगे तो बहुत बड़ा हमारे पास जो एरिया वो जो खाली था वो वहाँ पे आपको प्लांटेशन नज़र आएगी। और इसके अलावा यहाँ पे आपको वॉकिंग ट्रेल मिलेंगी जो कि वहाँ पे ट्रेल वगैरह वहाँ पे बन रही हैं। तो जो लिमिटेड ट्रेल्स आपको इस्लामाबाद में नज़र आती हैं, आपको जो पाकिस्तान का वाइड DHA होगा, यहाँ पे आपको वॉकिंग ट्रेल भी आपको खूबसूरत देखने को मिलेंगी। तो DH3 इस्लामाबाद दिन ब दिन तरक्की कर रहा है और आप देखेंगे आने वाले वक्त के साथ साथ हम यहाँ पे जिस तरह लोगों का रुझान बढ़ रहा है तो यहाँ पे आपकी अगर आप घर बनाते हैं तो आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आप बहुत ही ज़्यादा ऐसे एरिया में रह रहे हैं कि जो कि सिटी के बाहर बहुत पीसफुल एरिया में आप लिव कर रहे हैं। DH3 में कोई भी इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, तो प्रॉपर्टी इंसाइट से रब्ता करें। हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नीचे दिया हुआ है, तो हम इंशाल्लाह आपको 24/7 आपको के लिए अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।